नमस्कार दोस्तों, फेयर नॉलेज चैनल के एक नए वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक इंटरव्यू वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर के बारे में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उसके आंसर कैसे देना है, वो भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, इन सब सवालों को इंटरव्यू में काफ़ी बार दोहराया जाता है, इसलिए अगर आपका कहीं पर इंटरव्यू है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ज्यादा बातें ना बढ़ाकर शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल, आपने ट्रांसफार्मर के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। जी सर। तो ये बताइए कि ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार के लॉसेस होते हैं? सर, ट्रांसफार्मर में मेनली दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक है फिक्स्ड लॉस और दूसरा है वेरिएबल लॉस। फिक्स्ड लॉस क्या है और वेरिएबल लॉस क्या है? सर, ट्रांसफार्मर में जो कोर लॉस यानी आयरन लॉस होता है वो फिक्स लॉस है और जो कॉपर लॉस होता है वो होता है वेरिएबल लॉस। अच्छा, क्या कारण है कि एक को फिक्स लॉस और दूसरे को वेरिएबल लॉस कहा जाता है? सर, कोर लॉस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है और वोल्टेज फिक्स्ड होता है, इसलिए सर कोर लॉस भी फिक्स्ड होता है। लेकिन जो कॉपर लॉस होता है वो करंट के ऊपर डिपेंड करती है, और सर ये जो करंट का वैल्यू है ये लोड के ऊपर डिपेंड करता है। लोड जब बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा और जब लोड घट जाएगा तो करंट भी घट जाता है। करंट वेरिएबल होने की वजह से ये कॉपर लॉस भी वेरिएबल होता है। अच्छा, ये बताइए कि कोर लॉस कितने प्रकार के होते हैं? सर, कोर लॉस दो तरह के होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस। क्या ये दोनों लॉस को हम किसी तरह से कम कर सकते हैं? जी सर, कम कर सकते हैं। कैसे? सर, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए कोर मटेरियल को सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, और ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को सिलिकॉन स्टील के पतले पतले पत्तियों को लैमिनेट करके बनाया जाता है। तो अब ये बताइए कि कैसे पता लगाएंगे कि कोई ट्रांसफार्मर का कितना आयरन लॉस हो रहा है और कितना कॉपर लॉस? सर, इसको दो टेस्ट की मदद से हम लोग पता लगा सकते हैं। सर, कोर लॉस को फाइंड करने के लिए ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है, और कॉपर लॉस का पता लगाने के लिए सर हम लोग ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। अच्छा, आपने सिलिका जेल का नाम सुना है? जी सर, सुना है। तो सिलिका जेल किस मटेरियल से बनी होती है? सर, सिलिका जेल सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बनी होती है। तो सिलिका जेल ट्रांसफार्मर के किस भाग में इस्तेमाल होता है? सर, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्या काम है? सर, ट्रांसफार्मर में जब हवा एंटर करती है तो ये जो सिलिका जेल है, ये सिलिका जेल उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है उस मॉइस्चर को सोख लेता है। तो मॉइस्चर सोखने से क्या होगा? सर, अगर मॉइस्चर ट्रांसफार्मर के अंदर चला गया तो ये ट्रांसफार्मर के वायल में मिल जाएगा, और अगर ट्रांसफार्मर के वायल में मॉइस्चर मिल जाएगा तो उसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। तो अगर डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सर, अगर डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाए तो ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि ट्रांसफार्मर में मेन टैंक के अलावा और कोई ऑयल टैंक होता है? जी सर, होता है, कंजर्वेटर टैंक। तो कंजर्वेटर टैंक का क्या काम है? सर, कंजर्वेटर टैंक में ऑयल को रिजर्व रखा जाता है। क्या इसमें ऑयल फुल रहता है? नहीं सर। क्यों? सर, कंजर्वेटर टैंक को हमेशा आधा खाली रखा जाता है, क्योंकि सर ट्रांसफार्मर के अंदर मेन टैंक में जो ऑयल रहता है उसका वॉल्यूम कभी कभी बढ़ता है और कभी घट भी जाता है। तो सर, जब ऑयल का वॉल्यूम बढ़ता है तो एक्स्ट्रा ऑयल कंजर्वेटर टैंक में आ जाता है, इसलिए कंजर्वेटर टैंक को खाली रखना पड़ता है। और अगर मेन टैंक का ऑयल वॉल्यूम घटता है तो जो एयर गैप बनेगा उसको फिल अप करने के लिए कंजर्वेटर टैंक से ऑयल निकल कर ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में आ जाता है। इसके अलावा भी सर, अगर कोई लीकेज की वजह से ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में ऑयल की कमी आ जाए तो कंजर्वेटर टैंक से ऑयल आकर मेन टैंक को भर देता है, इससे सर कभी भी मेन टैंक खाली नहीं होता। ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और उसी के साथ फेयर नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।